सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का फोन रूटिंग ट्यूटोरियल कुछ इस तरीके से होने वाला है जो मैं स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको समझ में आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर प्रेस, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत तक पहुँच सके। फिर चलते हैं मालिक स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी तरीके। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में शेयर कर लेना है, और पिक्सआर्ट में फोटो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ से हमको क्या करना है, जो अपना पीएनजी है फोटो को, उसको सिंपली ऐड कर लेना है, और अपने बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से उसको एडजस्ट करके, और सिंपल से हमको यहाँ से हमको डन कर लेना है। फ्रेंड्स, फोटो को डन करने के बाद सिंपली हमको फिर से ऐड फोटो में जाना है, और जहाँ से हमको पीएनजी सिंपली ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जितना भी पीएनजी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिंपली क्या करना है, हमको पीएनजी को थोड़ा स्वाइप करना है ऊपर की तरफ, ब्लेंड मोड में जाना है और सिंपली स्क्रीन कर लेना है, और नीचे की तरफ स्वाइप कर देना है। फ्रेंड्स, सिंपली फिर दूसरा पीएनजी को वैसे सिलेक्ट करके और इसका ब्लेंड मोड में जाने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन कर लेना है, और अपने कुछ इस तरीके से इसको फोटो को जूम करना है, और अपने कुछ इस तरीके से इसको सिंपली एडजस्ट करना है यहाँ पे लाइट की, ताकि जो भी फोटो अपना लाइट टाइप में ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल भी लाइट है। सिंपली इसके फिर दो लेयर बना लेना है और इसको नेक्स्ट में वैसे ही सिंपली कर लेना है। तो फ्रेंड्स, दोनों लाइट अपना डिटेल में हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक थोड़ा और लाइट ले लेना है इसका, तीन लेयर बनाकर और कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, जितना भी लाइट का है सबका ओपेसिटी अपने हिसाब से रख लेना है, ताकि देखने में बिल्कुल भी बेकार ना लगे। फिर सबका हम लोग लाइट जो भी है उसको हम लोग हाईलाइटेड थोड़ा कम कर देंगे। और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो हम लोग पहले वाला पीएनजी था उसको सिंपली कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है अपने बैकग्राउंड फोटो के अंदर में, और उसका भी ओपेसिटी है फ्रेंड्स, उसको थोड़ा हम लोग कम कर लेंगे। फिर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको जितना ओपेसिटी रखना होगा सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग को उसको ओपेसिटी जितना हमको चाहिए उतना सिंपली रख लेना है, और यहाँ से कर लेना है फोटो बनाना। फ्रेंड्स, फिर से हमको जाना है ऐड फोटो में। फ्रेंड्स, दूसरा जो पीएनजी सिंपली हमको ऐड कर लेना है, सिंपली हमको क्या करना है, ब्लेंड मोड में जाना है और सिंपली को यहाँ से स्क्रीन करके कुछ इस तरीके से हमको एडजस्ट कर लेना है अपना फोटो के अंदर में। फ्रेंड्स, इसका भी ओपेसिटी है थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा हम लोग कम कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से फोटो पर बन के रेडी हो चुका है, सिंपली इसको कर लेना है यहाँ से डन। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग डन करने के बाद जाना है हमको इस वाले टूल्स के अंदर में। फ्रेंड्स, यहाँ से हेयर कलर को टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसका जो हम लोगों को कलर है तो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके इसके अमाउंट को इस तरीके से रख लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमको कर देना है फोटो को डन, क्योंकि सर अपना बाल में बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर में जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमको थ्री डॉट पर क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ से अपने गैलरी में फ़ोटो को सिंपली सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, फिर से फ्रेंड्स इसको हम लोग ओपन करेंगे लाइट रूम के अंदर में, जहाँ हम लोग कलर करने वाले, सिंपली यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे लाइट रूम वाले ऑप्शन के अंदर में। तो फ्रेंड्स, अपना फोटो आ चुका है लाइट रूम के अंदर में। तो सिंपली सबको पहले जाना है आपको इस वाले टूल्स के अंदर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके हम लोग है ट्रिक स्टोरी को हम लोग थोड़ी प्लस कर देंगे, क्लैरिटी को भी प्लस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जिसका विग्नेट को है उसको थोड़ा माइनस कर देंगे। फ्रेंड्स, तो सेटिंग कुछ इस तरह तरीके से रखना है बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहले हम लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि फेस के लिए होता है। तो सिंपली क्या करना है, हम लोगों को सैचुरेशन को माइनस कर देना है और ल्यूमिनस को प्लस कर देना है। फ्रेंड्स, इसका भी रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, तो इसका ह्यू को माइनस और सैचुरेशन को प्लस कर देना है। तो फ्रेंड्स, दूसरा भी कलर है वैसे ही सेम हमको क्या करना है, ह्यू को माइनस करना है और सैचुरेशन को प्लस कर देना है। फ्रेंड्स, ताकि फोटो में जो कलर है कलर के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, आपको जो भी बैकग्राउंड में कलर हो सेम वैसे ही सेम करना है। फ्रेंड्स, तब जो भी इतना यहाँ पे जो भी कलर है यहाँ पे सब कुछ सेम रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है, स्काई कलर को भी सिलेक्ट कर लेना है, ह्यू को माइनस और ल्यूमिनस को सैचुरेशन को प्लस कर देना है। फिर उसके बाद जाना है हमको लाइट इफेक्ट्स के अंदर में, जहाँ पर शेडोज को हम लोग प्लस कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग और प्लस कर देंगे, उसके बाद क्या करना है हमको फ्रेंड्स, इस वाले टूल्स के अंदर में जाना है, जहाँ में फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा हेयर है उसको थोड़ा हम लोग अच्छा से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेयर वाला कुछ लाइट इफेक्ट्स होगा अपने हेयर पे। सिंपली हमको इस वाले टूल्स के अंदर में जाना है, कुछ इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमको कुछ इस तरीके से अपने हेयर पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, हमका जो उसको लाइट फिक्स में जाना है। फ्रेंड्स, इसको जो शेडोस है थोड़ा हम लोग प्लस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो अपने हेयर है काफ़ी ज़्यादा देखने में एक्टिव और अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है, हमको फोटो को कर लेना है डन। तो फ्रेंड्स, फोटो अपना बन के बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, सिंपली हमको इस टूल्स में जाना है और यहाँ पे शार्पनेस को प्लस कर देना है और नॉइज रिडक्शन को भी प्लस कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ से फोटो को अपना गैलरी में सिंपली सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।